हेलो दोस्तों, आज जो है हम फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर फिफ्थ प्रीफेस टू महाभारत जो है देखने वाले हैं। और इससे पहले जो है हमने चार चैप्टर्स जो हैं उसका रिवीजन कंप्लीट कर लिया है और उसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपने उसको वॉच नहीं किया है तो वो आप वॉच कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिससे जो है आपका कंप्लीट रिवीजन ऑफ इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रिफेस टू महाभारता, जो कि लिखा गया है सी राजगोपालाचार्य के द्वारा। प्रिफेस टू महाभारता यानी महाभारत का कुछ अंश, कुछ पोर्शन जो है इसमें बताया गया है राजगोपालाचार्य के बारे में। दैट मीन्स कितना इंपॉर्टेंस है इन ग्रंथों का और ये हमें लाइफ में क्या सिखाती है। सो लेट अस स्टार्ट कि क्या दिया हुआ है। इट इज एन एग्जग्रेशन टू से दैट द पर्सन एंड इंसिडेंट पोर्ट्रेट इन द ग्रेट लिटरेचर ऑफ अ पीपल इन्फ्लुएंशियल नेशनल कैरेक्टर नो लेस पोटेंशियली देन एन एक्चुअल हीरोज एंड इवेंट्स एनरिच्ड इन इट्स हिस्ट्री एनश्राइंड इन द हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी हमारा लिटरेचर में यानी हमारे महान साहित्य में जो भी वर्णन किया गया है किसी पर्सन के बारे में या किसी घटना के बारे में, वो जो है हमारे राष्ट्र के चरित्र में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। दैट मीन्स लोग उससे जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। इट मे बी क्लेम दैट द फॉर्मर प्ले और इवन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल्स, ये हमें जो है आदर्शों को बनाने में भी बहुत मददगार हुए हैं। ये जो भी लिटरेचर या साहित्य जो हम पढ़ते हैं जैसे कि महाभारत के लिए इसमें स्पेशली कहा गया है, जिससे जो है हमारे चरित्र का जो है चरित्र की जो है ग्रोथ भी होती है। विच गिव्स कैरेक्टर इट्स इम्पल्स ऑफ ग्रोथ, इससे हमारा चरित्र का निर्माण भी होता है। ठीक है, इन द मूविंग हिस्ट्री ऑफ आवर लैंड यानी अनादिकाल से जो है फ्रॉम टाइम ऑफ इमेमोरियल ग्रेट माइंड्स हैव बीन फॉर्मड एंड नरिश्ड एंड टच द हीरोइक डीड्स ऑफ द रामायण एंड महाभारत। जो चरित्र विकास में अज्ञात है हमारी भूमि में गतिशील इतिहास में प्राचीन काल से ही रामायण और महाभारत द्वारा जो है महान लोग जो हैं ग्रेट माइंड्स जिन्हें कहा जाता है का निर्माण जो है पोषण और वीरतापूर्वक कार्यों के द्वारा स्पर्श किया गया है। अधिकांश भारतीय जो हैं यानी मैक्सिमम जो इंडियंस हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो हैं अपने बच्चों को जो है चिल्ड्रन फॉर्मली लर्न फ्रॉम दिस इमोर्टल स्टोरीज एज दे लर्न देयर मदर टंग एट द मदर्स नी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपनी माँ की गोद में जो है जब वो अपनी मातृभाषा सीखते हैं उसी समय में जो है उन्होंने यही स्टोरीज सीख के जो है वो बड़े हुए हैं। एंड द स्वीटनेस एंड सोरोस ऑफ सीता एंड द्रौपदी, यदि आगे हम बात करें और सीता और द्रौपदी की मधुरता और दुख, राम और अर्जुन की वीरता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रेमपूर्ण निष्ठा उनके युवक जीवन दर्शन का विषय बन गई है। और ये सब जो कैरेक्टर्स दिए गए थे राम लक्ष्मण सीता, तो इन्होंने इन सबसे जो है कुछ न कुछ फिलोसफी सीखी थी जब बच्चे जो है धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है। द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ हैज चेंज्ड द सिंपल पैटर्न ऑफ अर्ली होम। जीवन की बढ़ती जटिलता प्रारंभिक घरेलू जीवन में सरल पैटर्न में बदल गई है। देखा कि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी डिफिकल्टीज थी वो इन वजह से जो है इन महाकाव्यों की वजह से धीरे धीरे जो है वो सिंपल होती जा रही थी। स्टिल देयर आर फ्यू इन अवर लैंड्स हु डोंट नो रामायण एंड महाभारत, लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे रामायण और महाभारत के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन स्टिल स्टोरीज के माध्यम से कैरेक्टर्स के माध्यम से जो ड्रामा होता है सिनेमा होती है या सीरियल होते हैं उसके माध्यम से हर एक इंसान को जो है रामायण और महाभारत के बारे में पता है। दो द स्टोरीज ऑफ देम एम्ब्रॉयडर्ड द गार्निश फेसिंग, ये वही चीज दी हुई है। सिनेमास एज टू रिटेन बट अ लिटिल ऑफ द डिग्निटी एंड अप्रोच ऑफ ट्रुथ ऑफ व्यासा एंड वाल्मीकि, जिसने जो है इनके माध्यम से सिनेमा या जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं रिलेटेड टू दू इसके माध्यम से जो है इन काव्यों की इन महान ग्रंथों की जो है डिग्निटी बनी हुई है, गरिमा बनी हुई है, जो कि एक अच्छी अप्रोच सच्ची अप्रोच की गई थी किनके द्वारा, व्यास जी और वाल्मीकि द्वारा। जैसे कि व्यास जी ने जो है महाभारत लिखी थी और वही वाल्मीकि जी ने रामायण बनी थी, तो इस पे बेस्ड जो है आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। व्यास महाभारत इज वन ऑफ आवर नोबलेस्ट हेरिटेज, और जो व्यास जी ने
ये महान विरासत महान ग्रंथ लिखा है, ये सबसे जो है एक नोबलेस्ट बात है, सबसे अच्छी चीज जो है यही है। ठीक है, आइए इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं कि व्यासा और वाल्मीकि की गरिमा और सत्य और दृष्टिकोण, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। व्यास का महाभारत हमारी महानतम विरासतों में से एक है, ऐसा माना जाता है कि इट इज वन ऑफ द नोबलेस्ट थिंग, जो सबसे अच्छी चीज हुई है। एंड इट मे बी चेरिस्ड बिलीफ टू हियर इट्स फेथफुली टोल्ड टू इट्स लव एंड कम अंडर, और इसको यदि हम ईमानदारी से सुनते हैं तो इसके प्रति जो है हमारा, ये बताता है कि इसके प्रति जो है हमारा प्रेम है ना, और कम अंडर इट्स एलिवेंटिंग इन्फ्लुएंस, और इसके इसका जो है हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव भी है। इट इज स्ट्रेंथन्स द साउल एंड ड्राइव्स होम एज नथिंग एल्स डस द वैनिटी ऑफ एम्बिशन इविल एंड फुलिटी एंगर और हेट्रेड, और इससे जो है हमारी आत्मा की जो है मजबूती होती है, और दूसरी चीजें जो है जैसे घमंड हो गया, गुस्सा हो गया, इन चीजों का जो है पूरी की तरह से जो है ये सर्वनाश होती है जब हम इन महाकाव्यों को सुनते हैं। ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। द रियलिटीज ऑफ लाइफ आर आइडलाइज्ड बाय जेनियंस एंड गिव दैट फॉर्म ऑफ दैट मेक्स ड्रामा पोएट्री एंड ग्रेट पोएम। सिंस लिटरेचर इज क्लोजली रिलेटेड टू लाइफ सो लॉन्ग एज ह्यूमन लाइफ इज डिवाइडेड इंटू नेशन, लिटरेचर कैन नॉट एस्केप द इफेक्ट ऑफ इट डिविजन। साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम सभी की लाइफ में, तो हम जो है हमारी लाइफ से उसको अलग नहीं कर सकते हैं, वही चीज जो है यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बट द हाइएस्ट लिटरेचर ट्रांसेंड्स द रिलीजन्स एंड थ्रू इट्स वेन वी पॉपुलरली अटेंड वी रियलाइज द असेंशियल्स ऑफ वननेस ऑफ द ह्यूमन फैमिली। लेकिन जो लिटरेचर है इसका, साहित्य का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे बताया गया है कि उच्चतम साहित्य क्षेत्रीय से भी परे है। ये हमें जो है जब हम ठीक से समायोजित हो जाते हैं तो हम मानव परिवार की आवश्यकता, एकता का जो है हमें एहसास होता है कि हम सभी जो हैं एक हैं, और महाभारत जो है इसी श्रेणी का है। इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड नॉट ओनली टू इंडिया, और महाभारत जो है ये पूरे विश्व का है, न सिर्फ भारत का है। टू पीपल ऑफ इंडिया इंडीड दिस एपिक हैज बीन अनफेलिंग एंड पर्सनल सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यह केवल वास्तव में भारत के लोगों के लिए यह महाकाव्य अधिकतम शक्ति, और हम कह सकते हैं एक अचूक वे है जिससे कोई भी अपनी लाइफ को जो है बेहतर बना सकता है। जैसे आध्यात्मिक शक्ति का एक अमेक और भरमासमी स्रोत रहा है, श्रद्धा और प्रेम के साथ माँ की गोद में बैठकर सीखी गई जो है, इसमें इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको जो है बड़े प्यार से जो है बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर जो है इसे सुनता आया है। इसने महान लोगों को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए जो है प्रेरित किया है, और साथ में विनम्र लोगों को जो है धैर्य सिखाया है, और विश्वास के साथ अपने परिश्रमों का सामना करना में सच में बनाया है। तो ओवरऑल ये जो है साहित्य का जो है एक अपना इम्पोर्टेंस है। जब हम इसका इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि हम सभी एक हैं, उसमें से महाभारत जो है इसी क्लास का है। ये किसी वर्ल्ड का सॉरी ये किसी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है, जहाँ पे जो है हमें ये एक अचूक नुस्खा है जहाँ पे हम अध्यात्मक की प्राप्ति भी कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। और यहाँ पे इस महान ग्रंथों के कारण जो उसमें नेशनल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं है ना, वो उसमें वीरतापूर्ण कार्यों को प्रेरित किया है, किस तरीके से जो है अलग अलग कैरेक्टर्स जो है महाभारत ने किसने किस तरीके से मोटिवेट किया है, जो अभी हम आगे देखेंगे है ना। इन्होंने विनम्र लोगों को जो है धैर्य करना और विश्वास के साथ अपने परीक्षणों का सामना करना जो है उसके लिए प्रेरित किया है लोगों को। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द महाभारत वॉज कम्पोज मेनी थाउजेंड ईयर्स अगो, बट जनरेशन ऑफ गिफ्ट रिसाइटर हैज एडेड टू व्यासास ओरिजिनल ग्रेट मास ऑफ मटेरियल। जैसे कि महाभारत की रचना जो है कई हजार वर्ष पहले हुई थी, लेकिन प्रतिभाशाली पाठकों की पीढ़ी ने व्यास के मूल को बड़ी मात्रा में सामग्री जोड़ी है। लगभग 30 शताब्दी के ऐतिहासिक, भौगोलिक, पौराणिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक सभी तरते साहित्य में इसमें जगह मिली है। इसको जो है ओवरऑल हर एस्पेक्ट से यदि देखें तो इसका जो है इम्पोर्टेंस बना हुआ है ना। फ्रॉम द 30 शताब्दी यानी 30th सेंचुरी से जो है इसका इम्पोर्टेंस जो है हम देखते हुए आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। उन दिनों जब कोई मुद्रण नहीं था, यानी जब प्रिंटिंग वगैरह नहीं थे, जब कोई प्रिंटिंग नहीं होती थी, किसी मान्यता प्राप्त क्लासिक में प्रक्षिप्त राष्ट्रीय पुस्तकालय में शामिल करने के अनुरूप प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि ये सिर्फ लाइब्रेरी में रखने के लिए है, लेकिन
इन अभिव्यक्तियों से अलग महाभारत एक महान काव्य है। लेकिन महाभारत जो है सिर्फ लाइब्रेरी तक सीमित नहीं है, ये एक महान काव्य है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर एक सच्चे महाकाव्य, महान और भाग्यवादी आंदोलन, वीर चरित्र और राजस्व शैली की विशेषताएं बताई हैं। यानी इसमें जो है अलग अलग इम्पोर्टेंस बताया है, सुप्रीम डिग्री बताई गई है कि इस काव्य का कितना इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, द कैरेक्टर इन दिस एपिक मूव विद द विटेलिटी ऑफ द रियल लाइफ। जो इसमें कैरेक्टर्स महाकाव्य के जो पात्र बताए गए हैं वो एक्चुअली जो है हमें रियल प्रतीत होते हैं, है ना। महाकाव्य के पात्र वास्तविक जीवन की जीवंतता के साथ चलते हैं। इनमें बड़े कैनवास में इतना जीवन चित्रकान कहीं और मिलना मुश्किल है। और ये पूरे जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ में यदि हम उसको और कहीं ढूंढने जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है। अब जैसे कि उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है, तो आपको जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों वो इसी के बेस्ड पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं, जैसे कि भीष्म, उत्तमशूरवीर, आदरणीय द्रोण, व्यर्थ लेकिन शूरवीर कर्ण, दुर्योधन जिसका विकृत अभिमान विपरीत परिस्थितियों में बड़े साहस से बुनाया जाता है। तो ये जो है एक एक कैरेक्टर के बारे में बताना है, तो इस पे बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीष्म जो है वो कौन थे, और आपसे चार ऑप्शंस पूछ लिए जाए, है ना। देवीतुल्य शक्ति के साथ साथ कष्ट सहन करने की शक्ति वाले उच्चतम पांडव, द्रौपदी रानियों में से सबसे अभागी, कुंती वीरों के योग्य माता, गांधारी धृतराष्ट्र के दृष्ट पुत्रों की समर्पित पत्नी और दुखी माँ, ये उसे भीड़ भरे लेकिन कभी भ्रमित नहीं होने वाले कैनवास पर पूरे कुछ अमर आंकड़े हैं जो उन्होंने कैरेक्टर्स के ये नाम लिए हैं, है ना। जैसे कर्ण हो गया, भीष्म द परफेक्ट नाइट, वर्नेबल द्रोणा, वेन बट द चैलरस कर्ण। कर्ण जो है अपने कर्म के लिए, अपनी लॉयल्टी के लिए जो है माने जाते हैं, तो इसके बेस पे जो है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर दुर्योधन जो कि बहुत ही अभिमानी था और उस पे जो है अडिक था, पांडवास, द्रौपदी द अनफॉर्चुनेट क्वीन जिसे माना गया है, फिर गांधारी, और इस तरीके से जो भी नाम दिए गए हैं इस पे, ये जो है रियल लाइफ में हम एक साथ यदि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करें तो हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। फिर स्वयं आगे अगर वो बताते हैं, फिर स्वयं महान कृष्ण सबसे ऊर्जावान व्यक्ति जिनकी दिव्यता अत्यंत मानवीय विशेषताओं में के बादल के माध्यम से चमकती है। तो यहाँ पे देन देयर इज अ ग्रेट कृष्णा हिमसेल्फ द मोस्ट एनर्जेटिक मैन हुज डिविनिटी सेलेंस थ्रू द क्लाउड ऑफ वेरी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हर इंसान की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है झलकती हैं। उनकी उच्च आदर्शपूर्ण पूरे महाकाव्य में व्याप्त है, कोई अनुवाद भी पढ़ सकता है, और कविता का अतुलनीय विशालता और उदाता की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता है। इसे जो है हम स्टोरी समझ के भी पढ़ सकते हैं और इसकी शक्ति का इम्पोर्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। महाभारत जो है एक समृद्ध सभ्यता और अत्यधिक विकसित समाज का जो है खुलासा करता है। महाभारत के समय की बात करें तो जो हमारी उच्च सभ्यता है उसमें जो है एक बड़ा खुलासा है कि जो हालांकि पुरानी दुनिया के जो भी सामान्य मूल्य और जो है आदर्श हैं, यानी जो भी वैल्यूज और आइडियल्स उस समय महाभारत में हमें दिखते थे वो आज भी हमें हमारे आज के भारत में दिखते हैं, ऐसा बताया गया है, ठीक है। आगे देखें तो जब भारत जो है कई स्वतंत्र राज्यों में जो है विभाजित था, तो कभी एक राजा जो बाकियों से अधिक प्रतिष्ठावान जो है उसे माना जाता था, एम्परर माना जाता था, और वो बाकी लोगों की जो है सेवा करता था और वो जो है सुप्रीम पावर पे रहता था, ऐसी चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो द आर्ट ऑफ वॉर वॉज हाईली डेवलप्ड एंड मिलिट्री पावर्स एंड स्किल्स वेयर हेल्ड इन हाई स्टीम। तो युद्ध की कला अत्यधिक विकसित थी, सैन्य कौशल और कुशल की उच्च सम्मान में रखा जाता था। हम महाभारत में मानवीकृत फ्लोरेंस एवं विभिन्न स्मारक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, ओके। तो ये जो है मिलिट्री पावर का भी एक इम्पोर्टेंस बताया गया था, क्योंकि वहां पे वार हुआ था और किस तरीके से लोग जो है शस्त्रों का उपयोग करते थे और किस तरीके से उन चीजों का मैनेजमेंट होता था, क्या टैक्ट होती थी, उन्हीं चीजों के बारे में जो है इन पैराग्राफ में बताया गया है, ओके। और जो है जो पॉपुलेशन थी लिव्ड इन सिटीज एंड विलेजेस, पूरी जो पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें से जो है वो विभाजित थी कि शहरों और गाँव में जो है रहती थी।
नगर राजाओं और उनके परिवार और कर्मचारियों के मुख्यालय थे। जो सिटी थी वो जो है राजाओं का परिवार वहां रहता था, उनके एम्प्लॉयज वहां पे रहते थे, उनके हेडक्वार्टर्स वहां थे। वहां सुंदर महल और बगीचे थे, जीवन सुसंस्कृत और विलासतापूर्ण था। शहरों में व्यापार तो था ही, लेकिन अधिकांश लोग कृषक थे। व्यापार के साथ साथ वहां पे कृषि का इम्पोर्टेंस भी बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये चीजें जो दी हुई गई हैं, यहाँ पे आपको हर चीज का इम्पोर्टेंस बताया गया कि महाभारत में किन चीजों का क्या, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो आएंगे, जैसे हमने जो कैरेक्टर्स देखे कि जैसे हो गया कि कृष्णा के बारे में आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि कृष्णा जो है कौन थे, या ये जो है किसको सपोर्ट कर रहे थे, है ना। और जैसे अर्जुन जो है चैरियट पे बैठे थे, तो उनके साथ जो है कौन था, चैरियट पे कौन बैठा था, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसमें मिलिट्री पावर का जैसे यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या शस्त्रों की बात की गई थी या उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस चीजें, तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में आएगा चैप्टर। एक्चुअली टिपिकल हो रहा है, बट ये आपको जो है बहुत इजी वे में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस शहरी और ग्रामीण जीवन के अलावा जंगल के एकांत में तपस्वी शिक्षक सॉरी शिक्षकों की इर्द गिर्द केंद्रित एक बहुत ही सुसंस्कृत जीवन था। इन आश्रमों में शिक्षा आध्यात्मिक विचार के ऊपर उज्जवल अग्नि को जीवित रखा जाता था। यहाँ ने इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि जंगल में एकांत में हमने देखा था कि सब लोग जो है तपस्या करने जाते थे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कनेक्ट करना चाहते, तो वही चीज बता रहे हैं कि वो आध्यात्मिकता से भी उसे जोड़ते हैं। कुलीन जन्म में युवा उत्सुकता ने इन आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। संसार में थके हुए वृद्ध वहां शांति के लिए गए। संस्कृति के इन कदरों को देश में शासकों द्वारा पोषित किया जाता था, और उनमें से कोई भी अभिमानी व्यक्ति आश्रम के सदस्यों के साथ सम्मान और विचार के अलावा अन्यथा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता था। दैट मीन्स जितने भी लोग जो है आश्रम में जाते थे या जंगल में जो है अपनी आध्यात्मिकता जर्नी को जो है पूरा करने जाते थे, तो उनके साथ सभी लोग जो है रेस्पेक्टफुल बिहेवियर करते थे। कोई भी जो है उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करता था, उनका अनादर नहीं करता था। यही चीज जो है इसमें बताई गई है। आगे देखते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पैराग्राफ। वुमेन्स वेयर हाईली ऑनर्ड एंड एंटरटेन लार्जली इन द लाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स एंड सन्स। महिलाओं को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था और वे बड़े पैमाने पर अपने पतियों और बेटों के जीवन में प्रवेश करती थी। वहीं द कास्ट सिस्टम वॉज सिस्टम प्रिवेल्ड, बट इंटरकास्ट मैरिज वेयर नॉट अननोन। जाति व्यवस्था जो है प्रचलित थी, लेकिन अंतरजातीय विवाह जो है अज्ञात नहीं थे, यानी वो भी होते थे। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द महाभारत वेर ब्राह्मण। जो महानतम योद्धा थे जो महाभारत में थे, वो उनमें से जो थे ब्राह्मण थे। महाभारत ने दुनिया के सबसे असंख्य लोगों में से एक चरित्र और सभ्यता को ढाला है। यानी ये इंपॉर्टेंस बताया गया है किस तरीके से महाभारत ने जो है लोगों की लाइफ में जो है इम्पोर्टेंस रखा है। आगे वो क्वेश्चन करते हैं, हाउ डिड इट फुलफिल, किस तरह इसने महाभारत ने किस तरीके से कार्य को कैसे पूरा किया है, या अभी भी वो कैसे कर रहा है। धर्म को अपने सुष्मचार के द्वारा, जो सुनहरे धागों की तरह महाकाव्य के सभी जटिल आंदोलनों में अपने पाठ के द्वारा चलाते हैं। यहाँ पे वही चीज है कि धर्म जो एक मेन पॉइंट था, कितने ही आंदोलन आए सब आए, लेकिन यदि हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो जीत जो है निश्चित है। यही जो है हमें ये महाकाव्य सिखाता है। बाय इट्स गॉस्पेल ऑफ धर्मा विच लाइक्स अ गोल्डन थ्रेड्स रन्स थ्रू द ऑल कॉम्प्लेक्स मोमेंट्स इन द एपिक ऑफ बाय इट्स लेसन्स। उसने हमें ये सीख दी है कि कितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, इवेंट आ जाए, लेकिन आप यदि धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो आपकी जीत जो है वो निश्चित है। तो ये है पूरा प्रीफेस ऑफ महाभारत का, जो राजगोपालाचार्य जी ने इस चैप्टर में बताया है। अब कुछ चीजें जो है राजगोपाल जी के द्वारा बारे में भी देख लेते हैं, ताकि जो है हम ओवरऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस फिर उसके बेस पे सॉल्व कर पाए। तो अबाउट सी राजा गोपालाचार्य, इनका पिक्चर आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से वो दिखते थे। इनका पूरा नाम यदि हम बात करें तो इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो है इनका पूरा नाम था। पॉपुलरली इनके नाम को बुलाया जाता था इन्हें राजा जी के नाम से। चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य का सी आर के नाम से जो है उन्हें बुलाया जाता था, और नोन एज मुथरिंगर राजा जी के नाम से जो है उन्हें बुलाया जाता था। इनका निकनेम था मैंगो ऑफ सेलम के नाम से जो है इन्हें बनाया जाता था, तो मे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाए। अब बात करें इनके जन्म की,
या इनकी डेथ की, तो इनका जन्म जो है 10 दिसंबर 1878, दैट इज 10th of December 1878 में, एंड 25th दिसंबर 1972 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर राजा गोपालाचार्य फाउंडेड अ स्वतंत्र पार्टी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी पार्टी का नाम क्या था, तो उनकी पार्टी का नाम स्वतंत्र पार्टी था, एंड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उन्हें मिला था, भारत रत्न जो है सबसे पहले किसको मिला था, सी राजगोपालाचार्य को। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली हो सकता है, एंड ही ऑल्सो रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड भी उन्हें, उससे भी उन्हें नवाजा गया था। फिर अब उनके प्रोफेशन की यदि हम बात करें, तो बाय प्रोफेशन वो लॉयर थे, वकील थे, स्टेट्समैन, राइटर और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है। इनका बहुत बड़ा जो है योगदान था, क्योंकि ये 1948 के आसपास जो है गवर्नर जनरल बनाए गए थे जस्ट इंडिपेंडेंस के तुरंत, तो ही वॉज द फर्स्ट फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचार्य थे। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग द ऑथर, जिन्होंने बुक जो चैप्टर मेंशन किया गया है उसके बारे में। अब दोस्तों हम एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, तो आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं आप पॉज कर दीजिए, अपना आंसर टिक करिए, और उसके बेस्ड पे जो है फिर आप उसको रिज्यूम करके देखिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द फुल नेम ऑफ सी राजगोपालाचार्य, तो इनका पूरा नाम क्या है, तो चिंतामणि था क्या, नहीं, अभी हमने देखा चंद्रमणि, नहीं, इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सी राजगोपालाचार्य इज पॉपुलरली नोन एज, उन्हें किस नाम से जो है बुलाया जाता था, कुंवर जी, चक्रवर्ती जी, गुरु जी, राजा जी के नाम से जो है उन्हें बुलाया जाता था, फेमस नाम था पॉपुलरली नोन एज। द ऑथर ऑफ महाभारत इज, महाभारत के ऑथर कौन है, तो कालिदास, तुलसीदास, व्यासा की वाल्मीकि, तो व्यास जी ने जो है महाभारत लिखी थी, और अगर आपसे रामायण के बारे में पूछेंगे तो आप वाल्मीकि लिख देना, वैसे महाभारत से रिलेटेड चैप्टर है तो ये यही चीज पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्री इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी उनके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो पहले गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के 1948-49 के लगभग जो है ये बने थे, और राजगोपालाचार्य थे, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंती वॉज द मदर ऑफ, कुंती जो है किसकी माता थी, तो कौरवों की, दुर्योधन की, पांडवास की, कि नन ऑफ द अबव, तो कुंती जो है पांडवास की जो है मदर थी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द वॉर ऑफ महाभारत टुक प्लेस एट, जो महाभारत का महाभारत हुई थी तो उसका जो युद्ध जो है वो कहाँ पे लड़ा गया था, तो हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, कि इंद्रप्रस्थ में, तो कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का वॉर हुआ था, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द वॉर ऑफ महाभारत लास्टेड फॉर 10 डेज, कितने दिनों तक महाभारत का जो है युद्ध चला था, तो वो दोस्तों वो 18 दिन तक चला था, तो हमारे ऑप्शन में है क्या 18 डेज, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यस, नेक्स्ट, ग्रेट हीरो फ्रॉम महाभारत हु लिव्ड अ लाइफ सच अ वे दैट ही इज अनदर नेम ऑफ जेनरोसिटी और लॉयल्टी टूडे, ऐसा महाभारत में कौन था, कौन सा पात्र था जिसको जो है दूसरे नाम से यदि हम पुकारें तो वो बहुत ही दयालु और लॉयल, ईमानदार पर्सन था, तो कौन था, भीष्म, अर्जुन, नकुल की कर्ण, तो कर्ण को जो है लॉयल्टी के नाम से बहुत ही ईमानदारी से जो है उसने अपना धर्म का पालन किया था, तो कर्ण जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाभारत इज नोन बाय अनदर नेम विच इज द फॉलोइंग दैट नेम, महाभारत का दूसरा नाम भी था तो उसका क्या नाम था, कृष्ण अवतार, नहीं, शत सहस्त्र संहिता जो है इसका नाम था, ऑप्शन बी जो है ये सही है, आर्यन गलत है, कुरु संहिता जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, इन मॉडर्न इंडिया कुरुक्षेत्र इज सिचुएटेड इट, कुरुक्षेत्र कहाँ है, तो अभी हमने बात की थी कि महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के हरियाणा राज्य में हुआ था, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे महाभारत से रिलेटेड, तो आपको जितना ज्यादा नॉलेज होगा या जितना ज्यादा आप नॉलेज ग्रहण कर पाएंगे महाभारत से रिलेटेड, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाएंगे। राजगोपालाचार्य वॉज द फाउंडर ऑफ, राजगोपालाचार्य ने किसकी फाउंडेशन स्टोन जो है, किस पार्टी का फाउंडर थे वो, तो कांग्रेस पार्टी के नहीं, नेशनल पार्टी के नहीं, स्वतंत्र पार्टी के वो फाउंडर थे, जो कि अभी हमने उनके बारे में पढ़ा था, रेवोल्यूशनरी पार्टी के नहीं थे, सो दिस इज द स्वतंत्र पार्टी। आगे देखें, अलॉन्ग विथ कृष्णा एंड अर्जुना हु वॉज एन एक्स्ट्रा पैसेंजर ऑन अर्जुन चैरियट ड्यूरिंग द वॉर, कृष्णा और अर्जुन के अलावा जो है कौन रथ पे जो है अर्जुन के साथ वार के समय, युद्ध के समय था, तो जो है हनुमान जी जो है उनके साथ थे, तो
तो करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट, है ना। महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है नहीं थे, हनुमान जी जो है अर्जुन और कृष्ण के अलावा जो है उनके रथ पे सवार थे, दैट वाज हनुमान। ठीक है, नेक्स्ट। हु वाज किल्ड व्हाइल ब्रेकिंग द चक्रव्यूह, चक्रव्यूह किसने तोड़ा था? तो ये बहुत ही फेमस है, हम सबको पता है, अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह तोड़ा था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट रिसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न जो है सबसे पहले किसको मिला था? तो हमने ये देखा कि राजगोपालाचारी को जो है भारत रत्न से नवाजा गया था सबसे पहली बार। ठीक है, सबसे बड़ा ऑनरी अवार्ड होता है भारत की तरफ से जब किसी को सम्मानित किया जाता है, दैट इज भारत रत्न। यस दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है, दैट इज चैप्टर नंबर 5th। और इस तरीके से हमारे पूरे पांचों चैप्टर्स जो हैं उनका रिवीजन कंप्लीट होता है। यदि आपने बाकी के चैप्टर्स का रिवीजन नहीं किया है तो बाकी के चारों चैप्टर्स का रिवीजन भी आप कर लीजिए, और उसके बेस्ड हमने लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं हर चैप्टर के बाद में, तो उसको आपको सॉल्व करना कंपलसरी है एक बार जब हमने चैप्टर को समझ लिया, क्योंकि उसी तरीके से क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाएंगे इन द एग्जामिनेशन। यदि आपको कोई डाउट है तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और यदि आपको हमारा कंटेंट जो है अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन।